केजरीवाल की गिरफ्तारी ये दख सही कर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर पहली वो है जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और दख सही करके रात को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा लिया। कैथल में क्या पूरे हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी की हवा है जी, और आम आदमी पार्टी का सेंटर में गठबंधन है जी, तो सुशील कुमार गुप्ता जी जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं क्षेत्र लोकसभा से, तो वो एक तरफा जीत होगी और भारी बहुमत से वो क्षेत्र लोकसभा से जीत दर्ज। अच्छा जी, जिंदगी के बारे में विचार क्या है? अगर तो कांग्रेस के लड़ता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन अब वो नहीं रहे, चाहे कितना ही जोर लगा ले। लोकसभा में तो धक्के सही कर रहा है मोदी, उसके खिलाफ चल रही है मोदी के खिलाफ सारी की सारी। मोदी सरकार एक नारा देगी अब की बार 400 पार, लेकिन उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। जो शुरुआत है शुरुआत बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ जी, मैं गाँव में जाता हूँ क्योड़ तरफ, बढ़िया माहौल चल रहा है क्योड़ तरफ भी। भाजपा ने भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है वो नेताओं को दूसरे दलों नेताओं को डरा धमका कर ईडी का डर दिखाकर वो अपने पार्टी में शामिल करवा रहा है जी, जबकि उनके पास कोई भी ठोस कैंडिडेट नहीं है किसी भी लोकसभा क्षेत्र के लिए हरियाणा के लिए जी। और आज तक कभी ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी का 55 करोड़ रुपये उसी आदमी ने दे रखा जो इसके खिलाफ गवाह बन रहा है, उसके भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को उठाना चाहिए था ईडी ने, अगर सच्चा और निष्पक्ष जाँच की जाती तो। सर मेरा विनोद कुमार, कहाँ से हैं आप? कैथल से। कैथल में क्या पूरे हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी की हवा है जी, और आम आदमी पार्टी का सेंटर में गठबंधन है जी, तो सुशील कुमार गुप्ता जी जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं क्षेत्र लोकसभा से, तो वो एक तरफा जीत होगी और भारी बहुमत से वो क्षेत्र लोकसभा से जीत दर्ज करेंगे। नवीन जिंदल के बारे में क्या विचार है आपका? भाजपा ने उसको टिकट दिया है जी, तो उसके बारे में क्या कहना है? भाजपा ने, भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है वो नेताओं को दूसरे दलों नेताओं को डरा धमका कर ईडी का डर दिखाकर वो अपने पार्टी में शामिल करवा रहा है जी, जबकि उनके पास कोई भी ठोस कैंडिडेट नहीं है किसी भी लोकसभा क्षेत्र के लिए हरियाणा के लिए जी। आपने देखा होगा 6 जो पूर्व सांसद थे कांग्रेस पार्टी के वो अभी बीजेपी से टिकट लेकर आई हैं जी, तो मुझे लगता है कि वो जीत पाएंगे। यानी कि बीजेपी वाले उधार के कैंडिडेट लेकर आए हैं जी। मोदी सरकार एक नारा देगी अब की बार 400 पार, लेकिन उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, वो सभी दाएं बाएं दलों से आए हुए हैं जी, और अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत पार जाएगी। कैथल में कांग्रेस का कौन सा नेता मजबूत लगता है आपको? कैथल में रणेश सुरजेवाला जी हैं। अच्छा, तो सुरजेवाला का साथ सुशील गुप्ता के साथ? जी हाँ, वो साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उनका सहयोग से वो मतलब सीट को जीत पाएंगे। अच्छा, तो किसको सांसद चुनेंगे अब की बार? हम सुशील कुमार गुप्ता जी को सांसद चुनेंगे और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है गुप्ता जी का कैथल में? ठीक चल रहा है, बढ़िया है। हाँ, गुप्ता जी लगे हुए प्रचार प्रसार में, जितने भी नौ अपने लोकसभा अंदर के हलके हैं वो वहाँ पर अपना टाइम निकाल कर पब्लिक को दे रहे हैं, लोगों का उनको प्रेम प्यार बहुत मिल रहा है, वोटर सपोर्ट मिल रहे हैं। सतीश कुमार मेहरा जी, भाई साहब जी सुरजेवाला जी कहते हैं हम उनके साथ हैं जी। अच्छा, हाँ जी, दिन रात साथ उनके साथ। सुरजेवाला किसके साथ हैं आजकल? हाँ जी, सुरजेवाला आम पार्टी के साथ है जी। आम पार्टी तो सुशील गुप्ता जो है चुनाव में उतरे हुए हैं, कैथल में किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है? अभी शुरुआत है, शुरुआत बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ जी, मैं गाँव में जाता हूँ क्योड़ तरफ, बढ़िया माहौल चल रहा है क्योड़ तरफ भी। अच्छा, हाँ जी, तो वो है केजरीवाल जो है आज जेल में है, वो कहते हैं कि मैं हरियाणा का लाल था, लेकिन हरियाणा का लाल आज जेल में है, कैसे देखते इस प्रकरण को? ये तो देखो विपक्ष है, चलते रहता है, ठीक है जी, उसमें कोई और नहीं, बिल्कुल साफ सभी उम्मीदवार है वो और आगे भी साफ रहेंगे, ये तो कोई ना कोई लालो हो जाती है कहीं ना कहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ने जिंदल को उतारा है, जिंदल के बारे में विचार क्या आपका? अच्छा जी, जिंदल के बारे में विचार क्या है? अगर तो कांग्रेस के लड़ता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन अब वो नहीं रहे, चाहे कितना ही जोर लगा ले। अच्छा, तो बीजेपी में आने का जो प्रकरण था उसको कैसे देखते हैं, क्या हो गया उसको बीजेपी में लाया गया? ये जी सब पार्टी का जोर होता है, कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है, इसलिए उनका आना पड़ा। भाई मेरा ये तो सबका है। सबका? कौन सी पार्टी का? सब पार्टी का है, बराबर का है। तो बराबर का घटता बढ़ता नहीं, ये बराबर मौके पर होगा ना, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। जिसका वोट आपका जाएगा उसको बढ़ जाएगा, किसका जाएगा वोट अपना? वोट तो मौके सर, मौके का तुरंत तो। इलेक्शन लग रहे हैं, इलेक्शन नवीन जिंदल है। अच्छा, सुशील गुप्ता है। अच्छा, और का तो पता नहीं, दो का नाम आ रहे हैं, दो आगे नाम आ रहे हैं, दोनों लाला जी हैं, दोनों में तो बढ़िया कौन सा लग गया?
नवीन जिंदल बढ़िया है, नवीन जिंदल बढ़िया है, सुशील गुप्ता भी बढ़िया, दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया। तो इनका कंपटीशन होगा, जीतता का कौन है? कुछ नहीं कह सकते अभी तो, कुछ नहीं कह सकते। मेरा नाम राजेंद्र सिंह मलिक उर्फ इंदर मुच्छल, गांव पुराना। लोकसभा में तो धक्के शाही कर रहा है मोदी, उसके खिलाफ चल रही है मोदी के खिलाफ सारी की सारी। अच्छा हाँ, तो लोकसभा चुनाव में किसने जिताओगे, कौन कैंडिडेट है जितने वाला? ये सुशील गुप्ता है इंडिया गठबंधन का, पूरे कुरुक्षेत्र का। तो अच्छा हाँ, तो कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता है जो आपको मजबूत लगता है, जिससे मिलने के बाद सुशील गुप्ता मजबूत हुए हैं? सुशील रणदीप सिंह सुरजेवाला। तो जीत की गारंटी मानते हैं इस जोड़ी को? बिल्कुल। केजरीवाल की गिरफ्तारी ये कहां देखे? केजरीवाल की गिरफ्तारी ये धक्के शाही कर रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर, पहली वो है जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और धक्के शाही करके रात को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा लिया, और आज तक कभी ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी का 55 करोड़ रुपये उसी आदमी ने दे रखा जो इसके खिलाफ गवाह बन रहा है, उसके भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को उठाना चाहिए था ईडी ने, अगर सच्चा और निष्पक्ष जांच की जाती तो। बोल लेंगे अपने बोलने तो लग रहे, नाम पूछा ना, नाम की अपना मेरा तो रजिंदर है। रजिंदर है भाई, लोकसभा चुनाव चल रहा है, किसका जोर लग गया है? जोर तो दोनों का ही है जी। कौन से का? बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी का और कांग्रेस का। कौन कौन है इलेक्शन लड़ने वाले इन दोनों पार्टियों में? पता नहीं, मैंने तो आप सुनिया, एक तो रणदीप खड़े होया। अच्छा, एक दूसरा पता नहीं कौन सा। अच्छा,